बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सल गाइडेंस सेंटर जो है शुरू हुआ था जन सेवा गाइडेंस सेंटर की तरफ, बाद उसका नाम हमने चेंज कर लिया और अब ये है यूनिवर्सल गाइडेंस सेंटर। इसकी पूरी टीम है, इसमें सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर हैं, सारी बातें हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें भाई से सदर मैं हूँ जी, और मेरा नाम खलीलुर्रहमान है जी। और इसके बाद इसके सेक्रेटरी जो हैं जी नूर अहमद खान साहब हैं। ये सेक्रेटरी ही नहीं है, इसकी बुनियाद के मैं ये कहूँगा कि इसके सरपरस्त भी हैं और ये इन्हीं की सोच है कि जिन्होंने इसको शुरू किया। शुरू करने का मकसद कौम में जो तालीमी गिरावट है, तालीमी एक तरह से तंजुल आ गया है, इसको ऊपर उठाना ये हमारा मकसद है। और साथ साथ इसको किस तरह से गाइड करें, क्या करें, किस तरह से इसको सरंजाम दें, इन मकासद के हद हमने इसको शुरू किया। शुरू करते वक्त हमारे पास कुछ चंद ही अपराध थे, बाद होते होते जब लोगों को हमारे मकासद का पता चल गया, इसमें काफ़ी अहबाब आ चुके हैं। मैं नूर अहमद खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ, जो कि हमारे सेक्रेटरी भी हैं और एक तरह से इसकी बैकबोन है, ठीक है, इनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि पूरी तरह से इस बात का वजाहत करें कि यूनिवर्सल गाइडेंस सेंटर का मकासद क्या है, कब शुरू हुआ और किस किस दहेज पे हम उस पर काम कर रहे हैं, ये जरा जवाबदार सर बताइए। जैसा कि जनाब खलील रहमान साहब ने फरमाया, जो हमारे सदर हैं, ये यूनिवर्सल गाइडेंस सेंटर तकरीबन 6-7 साल से काम कर रहा है। तो हमारा इब्तदा जो हुई वो ऐसे स्कूलों से हुई जहाँ पर जो है ज़्यादातर गरीब बच्चे पढ़ते हैं, वो ये कि वहाँ की फीस कम होती है, स्वास्थ्य गरीबों ज़्यादा वहाँ पर होती है। तो इन बच्चों को जो मास के मैनेजमेंट से उनके उसी फीसेस वगैरह कम होते हैं, उसी में जो ये करना पड़ता है, तो हम जो है एक्सटर्नल गाइडेंस उनको देते हैं। एक्सटर्नल सिलेबस नहीं पढ़ाते, एक्सटर्नल गाइडेंस वहाँ के बच्चों को देते हैं। क्लासेस में जाकर उनकी क्लासेस को जाते हैं, हर एक के स्कूल जाकर उनकी क्लास को जाकर जो है गाइडेंस देते हैं कि उनको पर उनका ये क्या होना चाहिए, टारगेट स्कूल, और फिर उसके साथ टारगेट के साथ साथ जो है उनको किस तरह से पढ़ना चाहिए, पढ़ने के अवसर क्या होते हैं, किस जगह पर पढ़ना चाहिए और टाइम टेबल किस तरह से बनाना चाहिए, इन तरीके की चीज़ें जो है उनको बताते हैं। फिर उसी के साथ पेरेंट्स को जमाते हैं, उन्हीं की स्कूल के उनके पेरेंट्स को जो है जमाते हैं। ज़्यादातर ख़वातीन आती हैं, मर्द हजरात बहुत कम आते हैं, आते हैं तो ज़रूर हैं मगर बहुत कम आते हैं। तो उनको जो है उनकी ज़िम्मेदारियाँ समझाते हैं कि आप बच्चों को जो है ज़िम्मेदारी आप अगर ना लें तो बच्चे जो है वो जो चाहते हैं आप स्कूल में डालकर पढ़ना है बच्चे वो नहीं पढ़ सकते, इस वास्ते कि आपकी जो है ज़िम्मेदारी है वो आप नहीं निभा रहे, तो स्कूल के टीचर्स जो है वो पूरी तरह से निभा नहीं सकते। तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी घर में निभाएं, बच्चों के साथ बच्चों को वक्त दें, बिल्कुल वक्त दें। बच्चा जब स्कूल से आता है और जब स्कूल को जाता है तो आप जो है शफ़क़त के साथ उसको स्कूल को भेजना है, जब आता है तो आप उसके साथ बैठ कर जो है पढ़ने पर, आपको पढ़ना नहीं आता तो भी बच्चे को पढ़ाने के लिए आप साथ बैठें, उसका साथ दें, उसकी ज़रूरियात को पूरा करें, पढ़ने की ज़रूरियात को पूरा करें। तो ये इस तरीके की चीज़ें जो है जनरल चीज़ें जो है उनको बताई जाती हैं। इसी के साथ जो है वो टीचर्स से इंटरेक्शन होता है, उनके पढ़ाने के लिए तरफ से क्या मुश्किलात आते हैं, क्या ये अगर उनको गाइडेंस चाहिए, जिस तरह की गाइडेंस चाहिए वो गाइडेंस देते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट्स में उनको जो है इंस्ट्रक्शन चाहिए तो उस तरीके के इंस्ट्रक्शन भी टीचर्स को देते हैं। वर्कशॉप्स रखते हैं उनके लिए 2-4 दिन, और इस साल कोशिश ये कर रहे हैं कि 10 दिन का तो वर्कशॉप रखें, जिसमें जो है उनको जो है पाता था कुछ स्टाइपेंड दिया जाए टीचर्स को। अरे कब शुरू करें सर? तो अपने छुट्टियाँ वगैरह कर देते हैं जी, जी। अंदाजा लगा लेकर इरादा तो ये है, मतलब ये होता है हमें जाकर उनसे बात करना होता है, करने के बाद इंशाल्लाह वो करेंगे इंशाल्लाह। जब ये होता है इस साल के आखिर तो शायद नहीं हो सकेगा, रमजान आ जाता है, जब
آئندہ اکیڈمک ایئر شروع ہوتا ہے اس کی شروعات میں کرنے کی قاعدہ رکھیں اس کا رکھیں تو یہ ٹیچرس کے تعلق سے. اسی کے ساتھ جو ہے جب ہم نے یونیورسل گائیڈنس کو یہ جن سیوا سے یونیورسل گائیڈنس کو کنورٹ کیا اس وقت اسلامی تعلیمات بھی ان میں آنا چاہیے چونکہ بچوں میں جو ہے وہ اخلاق کی کمی کی وجہ سے اخلاق نہیں آ رہے ہیں جو اخلاق میں چاہیے مسلمان بچوں میں جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اس واسطے جو ہے ہم اسپیشل طور سے ان کو گائیڈنس کے لیے بچوں کے پی یو سی خاص کر یہاں مسکو کی پی یو سی کے جو لڑکیاں ہیں تو دو سال سے ان کو لگاتار اسلامی تعلیمات اور اس کو کیسے آج کے تعلیمات آپ جو حاصل کر رہے ہیں اس میں کس طرح سے اس کی مدد مل سکتی ہے اس پر لیکچر دیتے ہیں. اسلامی تعلیمات پر رہتے ہوئے اس کو اڈاپٹ کرنے سے اس کی مدد کس طرح سے آپ کی اس تعلیم کو عصری تعلیم جو کہتے ہیں حالانکہ بالغ نہیں ہے وہ پھر بھی کس طرح سے اس کو مدد مل سکتی ہے وہ چیز لوگ ان کو واضح طور سے بتا دیں. اس کے اثرات ایسے ہوئے گزشتہ سال کا رزلٹ پی یو سی کا میسکو کا بہترین ملتا ہے اور یہ لڑکیاں مانتی ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ کلاسز سے ہمیں بہت مدد ملتی ہے. جی جی یہ اور پھر اسی کے ساتھ اس سال جو ہے بی ایڈ کے بچیاں جو فاروقیہ ڈی ایڈ کے بچیاں ہیں ان کو جو خصوصی طور سے ان کا گھر میں مدد کر ان کو بھی اسلامی تعلیم تاکہ وہ جا کے آئندہ جو ٹیچرس بننے والی ہیں ابھی سے ان کا ذہن صاف کر کے جی ان کو جو ہے اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ بچوں کو کس طرح سے وہ ان کو جو ہے کنٹرول کرنا چاہیے اور کس طرح سے جو ہے ان کے جو غلط عادتیں ہیں اس کو چھڑانا چاہیے تاکہ وہ ایک بہتر بچہ بن سکے. یہ تو یہ چیزیں جو ہم کو ابھی سے بتانا شروع کر دیے تو یہ تمام کام جو ہو رہے ہیں. اسی کے ساتھ اس سال ہم نے جو بلڈ ریلیف ہوا کیمپ کے لیے یہ آیا کیرلا میں جب ہوئے اس کے لیے ہم نے جب اپیل کی تو 1,60,200 روپئے شروع کیے یہاں پر اور وہ جو ہے جماعت اسلامی بنگلور کرناٹکا جماعت اسلامی کرناٹکا بنگلور کے میرے خاتے جو ہے بینک کے ذریعے سے ان کو روانہ کر دیا اور ان سے رسید بھی آ چکی ہے. یہ مسلم بھی جانے چکی یہاں مسلمان بھی تھے اس میں ہمارے جو لیکچرس وغیرہ اٹینڈ کرتے ہیں وہ بھی ہیں جی ہمارے کمیٹی کے ممبرس ہیں جو تمام مل کر جو ہے آگے بڑھ کر ایک طرح سے انسانی ہمدردی کے پیشنٹ 1,60,000 روپئے صرف اسی ایریا میں بہت باہر نہیں گئے کہیں جی صرف واٹس ایپ پر ہمارے جو بھی یہ ہیں ان کو ڈالا کہ ہم جو لیکچرس ہوئے لیکچرس میں بولا لیکچر دس سفران ہوتا ہے پھر اسلامی کس کے لیکچرس ہوتے ہیں دوسرے لیکچرس ہوتے ہیں اس میں جو بولا پھر ہم مسجد میں اعلان کیا تو مسجد میں بھی کچھ ہم باہر سے کہیں سے 1,60,200 روپئے اصول میں ہم نے خاموشی کے ساتھ پہنچا دیے تو اس طریقے کے کام جو ہے کر رہے ہیں. ہمیں پبلسٹی آج تک کسی کو نہیں آج چونکہ آپ آ گئے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں. سر بچوں سے آپ کا رغبت ہے کیا کہہ رہے ہیں سر نوجوان بچیں گے ذہن میں کیا آپ کی کوشش سے کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملت اسلامیہ کے اندر ایک قسم سے خوف ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہم پڑھ کر بھی کیا کریں گے ہمیں نوکریاں نہیں ملتی ہمارا فلاں نہیں ہے ایسا اس قسم کی مایوسی چاہیے. اب اس مایوسی کو دور کرنے کے لیے ان کے حوصلے بلند کرنا ان کو موٹیویٹ کرنا تو اسی کے پیش نظر بچوں کو کس طرح سے موٹیویٹ کیا جائے اور ان کے اندر کیسے ہمت افزائی کی جائے اور ساتھ ساتھ ان کے جو پڑھانے والے ٹیچرس ہیں ان کے اندر بھی جو ہے کس طرح سے وہ ذمہ داری کا احساس دلایا جائے. ایک معلم جو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ تدریس پر ہونا چاہیے جس نہ ہونے کی وجہ سے جس طرح کی آج اخلاقی بگاڑ ہے وہ ساری اس کام میں سامنا ہے اس میں کوئی ہم کو مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان تمام حالات کو خاص طور پر میسور شہر کے سلم ایریاز کے اندر جو کیفیت ہے جو اخلاقی بگاڑ ہے اب اس کو ہم بڑوں کے پاس جا کر یہ نہیں کر سکتے کوشش اس کی بھی جاری ہے مختلف تنظیمیں بھی اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں اور یہاں پر جو ہے خاص طور پر ہم بچوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں کچھ اسکولوں کو انتخاب کیا اور وہاں پر جو ہے ہم نے بچوں کو اور اساتذہ کو پیرنٹس کلاسز کے ذریعے سے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر تعلیمی بیداری ہو اور وہ جو ہے تعلیم کے ذریعے سے ہمارا کھویا مقام ہمارے اسلافی جو تھے جو اس علم کی روشنی کو ساری دنیا میں منور کیا روشنی پھیلائی
और आज हम जो है उसको फरामोश करने की वजह से जिल्लत और मस्करत में मुबतला है, मायूसी हमें चाहिए। ये मायूसी को दूर करना और हमारे अंदर जो पसमर्दगी है इसको निकालने का वाहिद जरिया अगर कोई हो सकता है तो वो तालीम है। और तालीम तालीम के अंदर भी इस्लामी तसव्वुर जो है वो बच्चों के अंदर आना चाहिए, वरना खाली जो है हम मालूमात हासिल करें, इंफॉर्मेशन हासिल करें, वो तालीम है, ऐसी नहीं है। हम उनको ये बाकायदा बताते हैं कि इस्लामी तसव्वुर तालीम क्या है। इस्लामी तसव्वुर तालीम यह है कि हमारे मालिक हकीकी, हमारा खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उसकी ज़ात, उसकी सिफात, उसके अख्तियारात, उसके हुकूक बच्चों को मालूम हो जाए। जब उनको मालूम हुआ कि जो मेरा अल्लाह है, जो मैं खुदा जिसकी बंदगी करने पर मामूर हूँ, उसकी ये चार पहलुओं पर, उसकी ज़ात, उसकी सिफात, उसके अख्तियारात और उसके हुकूक ये मालूम हो जाए, फिर उसके बाद जिस तरह से अल्लाह ताला की मारिफत हो बिल्कुल उसी तरह अपनी भी मारिफत हो, बच्चों को मालूम हो जाए कि मेरे कोई हैवान नहीं है बल्कि अल्लाह ताला ने इनको बेहतरीन साफ में पैदा किया है। एक मकसद ज़िंदगी दी, इनका मकसद ज़िंदगी है कि खैर का बाइस बने और दुनिया में खैर फैला। और कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ज़रिए से जो एक बेहतर इंसान बने और जहाँ भी जिस शोबे ज़िंदगी में जाए, चाहे डॉक्टर जाए, चाहे इंजीनियर बने या टीचर बने, कोई पहलू में जाए, सबसे पहले ये मुसलमान है, ये इनके अंदर अंदाज़ा। इसका अंदाज़ा हमने एक टेस्ट लिया बच्चों के अंदर, वहाँ एक लेक्चर में बात आई, हमने बच्चों से सवाल किया कि आप बड़े बनकर क्या होना चाहते हैं। बच्चों ने मुख्तलिफ ये कहा कि चलो हम ये मुकाबला थी, एक ऐसे कॉम्पिटिशन हम रख दें, तो यही मौजू को हमने बच्चों को दिया जिसमें 65 बच्चे जो है उसमें शिरकत हुए। और पेपर वगैरह देख कर देखने के बाद एक 5 लड़कों को, लड़कियों को जो है हमने देखा, तो उनके जो ख्याल थे, जो पहला इनाम जो लड़की ने हासिल किया उसका नाम फिरदौस फातिमा जी रिटर्न की जी फिरदौस फातिमा माशा। ये बच्ची जो है जी कहती है कि मैं पढ़कर बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और उसके साथ साथ जो है मैं बच्चों के अंदर आप खिदमत खल्क का जज्बा हो रखती है, मैं खिदमत खल्क करता हूँ। फीस वगैरह जो आज जो माहौल है हॉस्पिटलों के या प्राइवेट क्लिनिक के अंदर जो बड़े बड़े कीमत पैसे लेकर गरीबों का इलाज नहीं होता, मैं खिदमत खल्क के लिए जो है उसी उम्र में फिक्र आ गई, ये फिक्र आ गई 10वीं क्लास के अंदर बच्चों के अंदर। और उसके साथ साथ जो है उनके साथ नरमी के साथ पेश आना, उनके साथ उनकी लेवल पर जाकर उनकी ईमानदारी करना और उनकी माली इमदाद करना उसका जज्बा है। और एक दूसरी बच्ची जिसको दूसरा इनाम का हकदार ठहरा गया जिसका नाम मुस्कान है, सब 10वीं जमात की बच्चियां हैं, और उसने लिखा है कि मैं टीचर बनूँ, यानी मैं टीचर बनना चाहती हूँ, और टीचर बनकर जो है बच्चों की खिदमत करूँगी और उनके अंदर मोटिवेट करूंगी, उनको प्राइवेट भी घर में पढ़ाऊंगी, जो कमज़ोर बच्चे होंगे बिला फीस के मैं उनको जो है पढ़ाऊंगी। यानी इस बाप 14-15 साल के बच्चियों के अंदर ये इस्लामी अहदार होने का ये असर है कि वो जो है खिदमत खल्क जो है इस्लाम का एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट शोबा है, उसमें वो हिस्सा लेने की बात करते हैं। और तीसरा इनाम की अहदार जो वो बच्ची थी जो शाजिया बानो, ये भी आलिम और आंख की डॉक्टर बनना चाहती है। तो कहिए कि बड़ी उम्र में जब लोग होते हैं तो उनकी बीनाई कमज़ोर हो जाती है और उनके बच्चे या रिश्तेदार उनकी तो तरफ तवज्जा नहीं करते, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आंख के डॉक्टर बनकर उनको जो है मुफ्त इलाज या जो कुछ भी हो सकता है वो मैं करूँगी। इसके अलावा हमने 2 और कंसोलेशन प्राइजेस के लिए किया। एक सैयदा उम्मे अयमन शऊर है जो इंजीनियर बनना चाहती है, और आजकल जो इंजीनियरिंग शोबे के अंदर जिस तरह से रिश्वत वो सब जो बेईमानी वगैरह है, मैं उसको छोड़कर इस्लामी अहदार के मुताबिक जो है मैं उसकी खिदमत करूँगी। 5वां इनाम जो ली वो भी एक कंसोलेशन प्राइज जिसका नाम है फौजिया फातिमा। अब ये कहती है कि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहती हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो बताती है और साथ ही साथ प्रेसिडेंट इंडिया बनने के बाद मैं इस्लामी अहदार की कदर रखते हुए पर्दा वगैरह जो भी इस्लाम किए हैं उन आदाब का लिहाज रखकर मैं ये करूँगी और मैं मुल्क की खिदमत करूँगी। ये असर है उनको इस्लाम से रोशनास कराने का। जब तक बच्चों के अंदर ये शऊर नहीं पैदा होता, महज
عصری تعلیم جو آج جو ہے وہ سیکولر کے نام پر جس طرح کی تعلیم دی جا رہا ہے یا خدا بیزاری تعلیم ہے اور ان کو دین سے الگ کر رہا ہے. دین اور دنیا دو الگ نہیں ہے. اسلامی تصور تعلیم میں ایک اکائی ہے, ایک ہی ہے, یہ دو نہیں ہیں. جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم سے جو مسجد ملائک بنایا اس کا مقصد یہی تھا کہ چیزوں کے نام بتائے گئے, کوئی دینی علم نہیں تھا. لیکن اصل وجہ یہی ہے کہ بچوں کے اندر معرفت الہی ہو, خود کی معرفت ہو, ساتھ ان کے اخلاق جو ہے بلند ہوں دوسروں سے. آج اسلام بھی جو پھیلا ہو اسلامی اقدار کی وجہ سے ہی پھیلا ہے. آج ہمارے بچوں کے اندر یہ ساری برائیوں کو جو ایک بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے, یا سلمس کا ہو یا کہیں بھی ہو, بچے جو ہے ماں باپ کی قدر نہیں کر رہے ہیں. بچے جب جوان ہوتے ہیں ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں لے جا کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑتے ہیں, جو بالکل خلاف اسلامی تعلیمات ہیں, شریعت ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کرنے میں دنیا اور آخرت کی فلاح بتایا ہے. ایسی حالت کو دور کرنا ہے تو یہ ہماری نوخیز نسلوں کو صحیح تربیت اور تعلیم دینے کی وجہ سے ہو سکتی ہے. یہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی تعاون ہو.